Hello students, good morning. Hope you all are fine. Students, today we will start our chapter 10, Walls Tell Stories. यानी कि पुराना हमारा जितना दुर्ग बारे में जितने भी किला वगैरह है, फोर्ट वगैरह है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे. और पार्ट वन आपके पास चले गए स्टूडेंट्स. वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट टू. पार्ट टू में क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मेंशन किया था द सुल्तान्स पैलेस, यानी कि सुल्तान का जो है राजमहल है. श्रीधर, दिस स्टेप सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन. श्रीधर क्या बोलते हैं कि मेरे को लगता है कि ये जो स्टेप्स है, यानी कि जो सीढ़ियां है, वो गो ऑन एंड ऑन, यानी कि बहुत ही ऊपर जाता है. सेल्जा, इवन दोज डेस दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद टू फ्लोर्स. लुक स्टूडेंट्स, आज की बात नहीं है, ये किला कितने दिन के बना, बहुत सारे सालों से पहले बना हुआ है. तो स्टूडेंट्स उसी समय भी ये देखे, टॉप ऑफ द फ्लोर, नीचे से जमीन से कितना ऊंचाई पर है. तो स्टूडेंट्स सेल्जा आंसर देते हैं, इवन इन दोस डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ टू फ्लोर्स. उसी समय में भी दो दो फ्लोर की बिल्डिंग बनाए थे. कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन रुइंस. पर स्टूडेंट्स इतनी अच्छी हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका टेक एंड केयर प्रॉपरली नहीं दे सकते हैं, इसके लिए वो रुइंस हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, वो बिगड़ जाती है. बट वन कैन इमेजिन दैट एर्लियर देयर वेर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर. बाकी अभी भी अगर हम जाएंगे और उसके अंदर घूमेंगे तो तभी के हमारे से हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं दैट देयर वेर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर. वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े हॉल्स और रूम्स भी थे. श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन. स्टूडेंट्स एक तो बड़े बड़े फोर्ट वगैरह किला वगैरह बनाते थे और उसमें क्या करते थे, ये वॉल पेंटिंग. लुक टू दिस पिक्चर, पेंट दीवार के अंदर भी अच्छे अच्छे पेंटिंग भी करते थे. कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक ए फाउंटेन ऑन द वन ऑफ द रूफ्स. हम भी देखे थे कि रूफ्स में जो छत में है ये फाउंटेन्स भी यहाँ पे था. दीदी, यस देर वेर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर. लोग स्टूडेंट्स आजकल जैसे हमने छत के ऊपर पानी का टैंकी बनाते थे ना, वो लोग भी उसी समय अपने छत के ऊपर फाउंटेन्स और वाटर टैंक्स बनाते थे, जो कि पानी को वहाँ पे सेव करके रखते थे. वाओ, व्हाट इंजीनियरिंग. थिंक, इवन टूडे वेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेस, समटाइम्स देर इज ए डैम्पनेस इन द वॉल्स एंड हियर सो लॉन्ग एगो देर वेर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच गुड अंडरस्टैंडिंग. आजकल का इंजीनियरिंग भी स्टूडेंट्स कितने कितने घर पर काम करते रह जाते हैं, तो भी आजकल का इतना दुनिया इतनी आगे हो गई, टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई, तो भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है. लेकिन उसी समय सालों सालों पहले की बात है स्टूडेंट्स, आप सोचिए उसी समय उनके पास क्या टेक्निक था ताकि इतनी फाइन काम कर सकते थे, ताकि आज की डेट में, आज की तारीख में हमारी जो फॉरेनर्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, या हम लोग भी होते हैं, हमारा जो एंसिटर्स यानी कि हमारी जो पूर्वज थे, वो हमारी किला वगैरह देखने के लिए हम जाते हैं, बाहर से विदेशी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं. लुक स्टूडेंट्स, तो उसमें से हम सोच सकते हैं कि उस समय हमारी जो इंजीनियरिंग वर्क था कितनी अच्छी तरह से वो लोग समझते थे. इफ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 ईयर्स एगो, अगर हम सोचेंगे आज से पहले 500 साल पहले अगर वहाँ पे इंजीनियरिंग जो थे वो आदमी लोग जो थे कैसे रहते थे, सो मैनी क्वेश्चंस कम टू योर माइंड. बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आएगी. फॉर एग्जांपल, हाउ वाज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स. आप देखिए ये ऊपर
वाटर टैंकी बनाया गया है। ओके, तो 500 साल पहले, 500 ईयर्स एगो, आप खाली सोचिए स्टूडेंट्स, इतने बड़ा टैंकी में नीचे जमीन से कैसे पानी वहाँ पे जाता था? कैन यू गेस हाउ? आप सोच सकते हो कैसे? थिंक एंड डिस्कस, सोचते हैं और डिस्कशन करते हैं। हाउ वुड द फाउंटेन्स ऑफ वाटर, इतने ऊपर वो फाउंटेन्स का वर्क कैसे हुआ होगा? व्हाट अरेंजमेंट्स वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट, हवा और सन जो लाइट आता है उसके बारे में वो लोग ने क्या सोचा होगा? लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, ये जो पिक्चर्स है दीवार में कार्विंग है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड टू फॉर सच कार्विंग, क्या क्या हथियार, क्या क्या मतलब टूल्स यूज ही होगी इसको बनाने के लिए। वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री, अभी तक हमारे देश में ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत गांव हैं जहां पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इवन एट प्लेस विच हैव नो इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर वन ए वीक, अगर हमारा वन वीक तक हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, पावर नहीं रहेगा तो हम पूरा बेचैन हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स 500 ईयर्स एगो में जमीन से पानी ऊपर टैंकी तक पहुंचाना है, इतनी फाइन दीवार पे कार्विंग करना है, वो सब सोचने वाली बात है। द थिंग दैट वी डिफरेंट टू मैनेज विदाउट इट, बहुत सारी चीज़ हमारा बाकी रह जाएगी विदाउट इलेक्ट्रिक सिटी। वेयर ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 3, तो उसका क्वेश्चन आंसर्स वगैरह बना के वो भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।